हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। सो आज हम आपको 5.2 एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, जिसमें फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट करवाएंगे। पिछले वीडियो में हमने एपी सीरीज के बारे में बताया था आपको, एपी यानी समांतर श्रेणी के बारे में बताया था। समांतर श्रेणी जो है वो क्या होती है, उसके अंदर बताया था कि ए प्लस बी, ए प्लस टू और डी, और इस प्रकार से ये हमारे पास ए प्लस थ्री डी और ये ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये हमारी जो एपी सीरीज है वो है, और इनका जो ये है ये पहला पद है, ये दूसरा पद हो गया, ये तीसरा पद हो गया, और ये चौथा पद हो गया, और ये हमारे पास लास्ट पद जो है वो ए एन पद। और इसलिए a n a प्लस n माइनस वन इंटू डी, ये हमारे पास एक फार्मूला तैयार किया था जिसमें हमने इसका यूज करना है। तो ये हमारे पास फार्मूला है, और ये इस प्रकार से इसके इसके अंदर दिया हुआ है। टेबल बना रखी है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में, एक टेबल दे रखी है जिसमें a b n और ए एन, देखिए ए एन ए एन और डी, एक दो तीन और चार, एक दो तीन चार, ये दिए हुए हैं, ठीक है। अब तीन चार में से आपको तीन दे रखे हैं, एक आपने निकालना है, तो जो दे रखा है उनकी वैल्यू इस सूत्र के अंदर रखनी है और फिर आपको इक्वेशन करना है। जैसे इसके अंदर फर्स्ट पार्ट है वो दिया हुआ है सेवन, ए की वैल्यू ये दिया हुआ है, और थ्री एट, और ये हमें निकालना है। इसके बाद सेकंड के अंदर माइनस 18 दिया हुआ है, ये हमें निकालना है, और ये दिया हुआ है 10, और ये दिया हुआ है 0, ये दिया हुआ है सेकंड पार्ट के अंदर, ठीक है। अब हमारे पास पहला पद इसमें क्या है, पहला क्वेश्चन है, पहला पद यहां पर 7, डी क्या होता है, 7 अंतर, ये है हमारे पास 3, और एन क्या है, ये कितना है 8। हमें ए एन निकालना है, तो हम क्या है फार्मूला क्या है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये दिया हुआ है, इसके अंदर ये वैल्यू आप रख देंगे। ए एन कितना है ये हमें निकालना है, ए की वैल्यू कितनी है 7, एन की वैल्यू कितनी है 8, 8 में से 1, और डी की वैल्यू कितनी है 3, तो यहां पर कितना हो जाएगा 7 जमा 7 गुना 3, ठीक है। अब ये 7 से 21, और ये 7 इसमें जोड़ देंगे, 21 और 7 28, ये इसका आंसर है, ये इसका आंसर। इस प्रकार से आपने इसका काम समझ में आ गया सभी को। अब आगे इसका जो है सेकंड पार्ट है वो देखिए, यहां पर ए माइनस 18 दिया हुआ है और डी आपको निकालना है, एन 10 दिया हुआ है, ए एन 0 दिया हुआ है। हमारे पास फिर ये सेम फार्मूला है, इसके अंदर ये लिखेंगे और इसकी वैल्यू को रख देंगे, ठीक है। ए एन यहां पर 0, ए कितना है माइनस 18 प्लस एन, एन कितना है 10, 10 घटा 1, और डी हमें निकालना है, ये डी, ठीक है। तो यहां पर कितना हो गया, ये माइनस 18 हो गया, और यहां 10 में से ये गया जमा की 9 डी, और ये बराबर 0। अब ये 18 इधर आ जाएंगे, तो जब बराबर से कोई संख्या दूसरी तरफ जाएगी तो प्लस का हो जाएगा, और यहां कितना है 9 डी हो गया, और ये क्या हो गया, डी 9 से इसको भाग कर देंगे, तो डी बराबर कितना हो गया 18 बटे 9 बराबर 2, तो डी की वैल्यू कितनी हो गई यहां पर 2 आ गया। ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट।
ठीक है, सभी को यहां तक समझ में आ गया। अब इसके बाद फर्स्ट और सेकंड आपका क्वेश्चन इसमें हो गया है, उसके बाद आप देखिए इसका फोर्थ पार्ट, फोर्थ पार्ट में क्या दिया हुआ है, ए दिया हुआ है -18.9 और यहां उसके बाद बी दिया हुआ है 2.5, एन आपको निकालना है और ए एन जो है वो दिया हुआ है 3.6। इसमें फार्मूला क्या बनेगा, ए एन ए प्लस एन माइनस 1 × t और ए एन कितना है, ये 3.6 = 1 कितना है, एक यहां पर -18.9 हो गया जमा एन, एन हमें निकालना है और डी कितना है 2.5, 2.5। ठीक है, अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इस पार्ट को इधर लेते हैं, तो ये 3.6 में 18.9 जुड़ जाएगा, घटा है तो जमा हो जाएगा। अब इसको यहां ये n माइनस 1 और यहां ये 2.5 दिया हुआ है, 2.5 दिया हुआ है। ठीक है, अब यहां पर इनको जोड़ेंगे, तो इनको जोड़ेंगे तो हमारे पास क्या हो गया 22.5 और ये n माइनस 1 और ये 2.5, ये इससे भाग कर देंगे, 2.5 से इसको भाग कर देंगे ना, तो यहां पर ये क्या हो जाएगा, ठीक है, यहां पर क्या हो गया n घटा 1 और ये 22.5 बटे में 2.5। ठीक है, सिंगल 1 दशमलव है इसमें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 25 और 25 मिल में 225 कि दशमलव 1 यहां पर, यह दशमलव है तो दशमलव 2 कैंसिल हो जाएगी, तो n बराबर 1 बराबर 9 आ गया, 9/1 को तो हम लोग 9 ही लिखेंगे। ठीक है, अब यहां पर क्या हो गया, इसको इधर लिखेंगे तो n बराबर 9 + 1 = 10, तो n बराबर कितना हो गया 10, ये आपका आंसर है, लास्ट में ही आंसर है। ठीक है, क्लियर हो गया अच्छी तरह से, फिर भी यदि कोई डाउट है तो आप कमेंट में या मेरे पर्सनल नंबर पर प्रॉब्लम बता सकते हैं, उसका सॉल्यूशन करवा दिया जाएगा। आप क्वेश्चन सेकंड देखिए क्या है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर इस क्वेश्चन में से एक बोर्ड में कई बार आ जाता है, तो इसलिए थोड़ा ध्यान दीजिए इसमें। इसके अंदर दिया हुआ है ए पी बराबर दिया हुआ है, पिछली दे रखी है 10, 7, 4 और इस प्रकार का 30वां पद। ठीक है, तो हम इसमें क्या निकालेंगे, 30वां पद निकालना है, तो हम एक तो डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं इसको कि ये 30वां पद है, तो ए 30 हमारे पास क्या होता है, 8b कम हो जाएगा। देखिए इसमें a पहला पद ये है, दूसरा तो डी एक कम है, तीसरा डी एक कम है, चौथा डी एक कम है और एन वा पद है तो डी एक कम है, तो इसका मतलब यहां पर ए प्लस 29b, ये भी आ सकता है, इसके लिए आप कर सकते हैं, डायरेक्ट कर सकते हैं, ए की और डी की वैल्यू निकालेंगे, इस फॉर्मूले में रख देंगे, आंसर आ जाएगा। लेकिन आपको थोड़ा सा मैं अलग जो मेन मेथड है उसके अकॉर्डिंग करवाता हूं। इसमें पहला पद हमारा 10 है, जिसको हम क्या कहते हैं, ए कहते हैं, और डी 7 अंतर, यानी कि डी बराबर क्या हो गया, ये 7 ए 2 माइनस ए 1 होता है, तो ये हो गया 7 / 10 = 3। ठीक है, ये आपका 3 हो गया। ओके, अब हमारे पास इसके अंदर जो n है, n वो हमारा 30 दिया हुआ है, n कितना दिया हुआ है
30 दिया हुआ है, तो आप क्या करेंगे, फॉर्मूला लिखेंगे ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो यहाँ पर ए 30 ये हो गया, और ए की वैल्यू क्या है 10, यानी 10 जमा एन, एन कितना है 30, 30 घटा एक, और डी कितना है घटा का 3। अब ये कितना हो गया, ये कितना है 30 में से 29, और 29 को घटा 3 से गुणा कर देंगे, तो यहाँ पर 10 फिर जमा, और यहाँ पर ब्रैकेट में 29 गुणा में घटा 3 करेंगे, घटा 3 करेंगे तो ये हमारे पास क्या हो गया 10 घटा में 87, 87 आ जाएगा, और जब ये इसे करेंगे तो घटा के स्टेप करेंगे आंसर, ये आपका आंसर आ जाएगा लास्ट का। लास्ट का जो आपका ये आपका आंसर है, ठीक है। अब इस प्रकार से आपने इसको कंप्लीट करना। अब हमारे पास अगला जो इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, तो इसका सी ऑप्शन आ जाएगा, क्या आ जाएगा इसका, कितना था सॉरी हाँ बेटा 77 था, तो सी ऑप्शन इसका ठीक है। अब इसके बाद इसका थर्ड सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट के अंदर ए और पी दिया हुआ है, उनसे वही है, और ये माइनस 3 दिया हुआ है, 1/2 दिया हुआ है, और 2 दिया हुआ है, ये दिए हुए हैं, और 11वां पद आपने निकालना है, यानी कि ए 11 निकालना है, ये आपने निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम ए, हमारे पास माइनस 3 है, डी जब आप निकालेंगे तो माइनस 1, या इसका फार्मूला लिखना है तो फॉर्मूला लिख सकते हैं माइनस 1/2 फिर माइनस माइनस 3, 1/2 जमा 3/1 2 हो गया माइनस 1, और 3 दो 6 तो 5/2, तो हमारे पास डी कितना हो गया 5/2, और एन कितना है, एन यहाँ पर 11 दिया हुआ है, ठीक है, क्या दिया हुआ है 11, तो ये हमारा डी आ गया, ठीक, ये आ गया डी, ये आ गया ए, और इसकी वैल्यू आपने आप रखनी है, तो आप रख सकते हैं ए 11 बराबर है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ए आपका माइनस 3 आया था जमा 11 माइनस 1, और डी कितना था 5/2, ठीक है, यहां पर ये घटा 3 हो गया जमा, और 11 में से 10, 10 गुणा 5/10, ठीक है, तो ये घटा 3 जमा 5/5, 25, और 25 में से 3 घटाएंगे तो ये आपका 22, ये आपका आंसर आ गया, और ये ऑप्शन कौन सा है, तो इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन बी दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है बी दिया हुआ है, तो ये आपका, ठीक है, और इसी के साथ ही एक्सरसाइज आपकी, यानी कि पहला और दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट होता है, और आपको नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे अगले, तब तक के लिए ब्रेक, थैंक यू, हैव ए नाइस डे एंड बाय।